नौ हमारे दरमियान वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने हमेशा इस इलाके को और जहाँ जहाँ वो गए उन्होंने पे बैक किया इन द शेप ऑफ डेवलपमेंट, ट्रू स्पिरिट कैरी किया. ही बिलीव्स इन डूइंग थिंग्स. और दो ढाई साल पहले जब मैं कराची से आया था तो यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं थी, उनके साथ काम शुरू किया, रातों रात हमने विटनेस किया यहाँ डेवलपमेंट. द मैन बिहाइंड ऑल दिस एंटायर प्रोजेक्ट, द विजन, अ मैन हु बिलीव्स इन फार वेल डन रादर देन फार वेल सेड. सो वन एंड ओनली प्लीज वेलकम ऑन स्टेज आप सबकी तालियों में चौधरी अब्दुल मजीद साहब, द चेयरमैन फैसल टाउन. तालियां होनी चाहिए, थोड़ा शोर, थोड़ी सीटी, थोड़ा लाउडर. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. तमाम हाजरीन महफ़िल, फैसल टाउन के मेंबरान, इन्वेस्टर हजरात, मेरी रियल एस्टेट बरादरी और एल इलाका, सबको मेरी तरफ से वेलकम, अस्सलामु अलैकुम. आज माशाल्लाह फैसल टाउन की मैनेजमेंट ने एक और संगे मील अबूर किया है. ये जो आर्च का प्रोजेक्ट है, जैसे जुहेर साहब ने बताया कि जब हम ये कंसीव हुआ है पेरिस से, पेरिस में अगर आप जाएं तो शांज़ालीज़े एक स्ट्रीट है, वहाँ पे इस तरह का मोनूमेंट बना हुआ है. जो लोग पेरिस में से गए हैं या कभी जाएंगे वो देखें कि ये ऐसे नहीं है कि हमने इसको उसका रेप्लिका बनाया है. हकीकत में ये है कि ये जो मोनूमेंट है इसका वो रेप्लिका लग रहा है. ये इतना बड़ा मोनूमेंट है. हमने जो ओरिजिनल है जहां से आइडिया कंसीव किया है उससे ज्यादा अच्छा बना के लोगों को दिखाया है. ये जितने इंजीनियर लोग बैठे हैं वो इसको शायद अगर गौर करें कि 150 फीट से ज्यादा इसकी हाइट है और ये कोई 70 या 60 फीट जमीन के नीचे भी है. इसकी फाउंडेशन जमीन के नीचे से ऊपर आई हुई है. तो ये कोई छोटी बात नहीं है इतना बड़ा एलिमेंट जो है बनाना. ये कोई इतना आसान नहीं था इतना बड़ा एलिमेंट बनाना. ये यकीन जाने ये फैसल हिल, जिसको मैं कहता हूं ये एक स्कीम का नाम नहीं है, ये एक सिटी का नाम है. ये उसके लिए नहीं, ये टेक्सला वा हरिपुर के लिए नहीं, ये इस्लामाबाद के लिए नहीं, ये इंशाल्लाह ताला जो कराची से, जो जनूबी पंजाब से, जहां जहां से लोग टूरिज्म के लिए लोग आते हैं वो इंशाल्लाह ताला फैसल हिल में 2-3 दिन ठहर के इसके अंदर जो हम चीजें बना रहे हैं वो देख के इंशाल्लाह ताला नॉर्दर्न एरिया में जाएंगे. नॉर्दर्न एरिया से 4 गुना वो ज्यादा फैसल हिल को ज्यादा अच्छा जो है वो पसंद करेंगे. ये एक रूट स्कूल, इसकी एक आर्च की बात नहीं है. हम पूरा जो फैसल हिल है, जैसे मैंने कहा कि इसको एक 5-स्टार हम सिटी बना रहे हैं, इसमें जितने नगीने लगाएंगे वो भी 5-स्टार नगीने लगाएंगे. अभी आशर याद खान ने कहा कि हमने एक रूट स्कूल बना रहे हैं. कहने को तो एक स्कूल है, पाकिस्तान की एक बड़ी ब्रांडेड चैन है, लेकिन वो रूट स्कूल जिस तरह जे आर्च देख के आप कह रहे हैं कि इस इलाके का, इस पाकिस्तान का ऐसा मोनूमेंट कभी नहीं बना, जे भी आप देख के कहेंगे जिस दिन हम रूट स्कूल का इफ्तिताह करेंगे, जो कि इंशाल्लाह ताला 1-1.5 साल में करने वाले हैं, वैसा स्कूल भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान ने कभी नहीं देखा होगा जैसा बच्चों के लिए, स्टडी के लिए हम स्कूल बनाएंगे. इसी तरह हम इस हॉस्पिटल इधर एक बनाएंगे, वो हॉस्पिटल भी देखने के काबिल होगा. सिर्फ हॉस्पिटल नहीं होगा, वो टीचिंग कॉलेज होगा, उसमें 5-6 शोबे होंगे. पाकिस्तान में आपको पता है कि मेडिसिन में और हेल्थ में बहुत हम पाकिस्तान पीछे हैं. ये जो हॉस्पिटल हम बनाएंगे वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी जरूरत को पूरा करेगा. तो ऐसे हॉस्पिटल बनाना, ऐसे स्कूल बनाना, ऐसे मोनूमेंट बनाना, ये वही लोग बना सकते हैं जिनका अल्लाह पे तवक्कल हो और जो अपने मेंबरान के लिए काम करना चाहते हो. हम पैसे लेके उसको आगे पीछे इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं. हम अभी तक जो नॉन प्रोडक्टिव काम है उसके ऊपर हमने देखे कितना पैसा लिया. अभी आबादी शुरू हुई है,
तो फुटबॉल ग्राउंड बन गए, आबादी शुरू हुई है क्रिकेट ग्राउंड बन गए, आबादी शुरू हुई है रूट स्कूल बन गया, आबादी शुरू हुई है आर्च बन गया, आबादी शुरू हुई है मस्जिदें बन गई, तीन मस्जिदें बन रही हैं, एक मस्जिद कंप्लीट है, दूसरी मस्जिद ये जो आर्च है अगर इसके पीछे आप देखें तो जामिया मस्जिद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बन रही है। इस मस्जिद की खूबी ये है कि ये मरकज की सबसे प्राइम जगह जो है एक कमर्शियल मरकज की जो वो हमने हजरत अली अलैहिस्सलाम की मस्जिद के लिए वक्फ की है, और वो मस्जिद अगर आप पीछे से डबल रोड से आए आर्च के बिल्कुल सेंटर से उसका डूम नजर आएगा। ये एक इंजीनियर शहकार जो है ये मस्जिद बना रहे हैं, और उस मस्जिद में 22,000 नमाजी एक वक्त में नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये जो हमने नई राहें तलाश की हैं, ये मौला अली का एक कॉल है, हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जितने मुझे जमीन के रास्ते मालूम हैं उससे ज्यादा मुझे आसमान के रास्ते मालूम हैं। तो वही तरक्की कर सकते हैं जिनको आगे बढ़ने की ख्वाहिश हो, जिनको नए रास्ते तलाश करने की ख्वाहिश हो। तो ये माशाल्लाह इतने बड़े बड़े काम हम फैसल हिल में कर रहे हैं कि जिसकी सड़कें 40 फुट से लेकर 265 फुट तक एक एक सड़क चौड़ी हो, जिसकी बिजली अंडरग्राउंड हो। आजकल आपको पता है पाकिस्तान में एस्केलेशन महंगाई कितनी हो गई है, हमने इसलिए कि कभी ये ना हो कि हमारे को फंड में इशू हो, हमने 2 अरब रुपया ISCO को इसकी बिजली का लिए के लिए दिया हुआ, पूरी स्कीम में अंडरग्राउंड बिजली के लिए। तो ये जो हम इतने बड़े वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो घर बनाना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को एक खूबसूरत माहौल और एक खूबसूरत रेजिडेंस देना चाहते हैं, तो फैसल हिल से अच्छा इंतखाब उनके लिए नहीं हो सकता। हम ये जो 7,000 कनाल साथ रकबा पड़ा हुआ है जो मरगला हिल इस्लामाबाद का है, इसको खूबसूरत आने वाले वक्तों में हम ब्यूटीफाई करेंगे। इसके ऊपर ट्रेल 1, 2, 3, 5 इस तरह बनेगी, इस पर बड़े बड़े मनाल, बड़े बड़ी रेस्टोरेंट बनेंगे। आपको पता है ये जो आर्च है इसके टॉप पे भी एक रेस्टोरेंट है, जो हम जब इसको बनाएंगे तो कितनी दुनिया आकर इस रेस्टोरेंट में जाएगी। इंशाल्लाह ताला जिस तरह मुख्तलिफ दुनिया में जो बड़े बड़े लैंडमार्क प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ खाना खाने के लिए 2-2 माह 3-3 माह पहले बुकिंग करानी पड़ती है, इस आर्च पर भी इसी तरह इंशाल्लाह ताला आपको बुकिंग करानी पड़ेगी। और जो हम इधर फैसल ज्यूल का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये हम क्यों बना रहे हैं, हम इसलिए बना रहे हैं कि ये जो फैसल हिल एक शहर है इसकी जो लाखों की आबादी 2-3 लाख की होगी, इसने इस्लामाबाद नहीं जाना, इसने पिंडी सदर नहीं जाना, पिंडी के लोग, इस्लामाबाद के लोग, टैक्सला वाह हरिपुर के लोग वो इंशाल्लाह फैसल हिल में अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आएंगे, वो अपने बच्चों को लेकर फैसल हिल दिखाने के लिए आएंगे। जो शॉपिंग उनको इस्लामाबाद पिंडी में नहीं मिलेगी वो फैसल हिल में मिलेगी, जो उनको सहूलतें पिंडी इस्लामाबाद में नहीं मिलेगी वो फैसल हिल में मिलेंगी। ये हमारा एक आइडिया है, हम इसको इंशाल्लाह ताला परवान चढ़ाएंगे। आप देखेंगे कि फैसल ज्यूल में 5 फ्लोर माल के हैं, उसके ऊपर 32-33 स्टोरी अपार्टमेंट की बिल्डिंग है, और एक बेस्ट ऑफ दी एक हम इसमें एक होटल जो है वो बना रहे हैं, ताकि लोग इधर ही आएं, इधर ही रहें, मरगला पे जाएं, घूमें फिरें। हमारा एक और भी इसमें तरह तरह के हमने आइडिए जो है बनाए हुए हैं, वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ताला हम आपको चीज़ें बताएंगे। मेरी आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप अपनी फैमिली के साथ, आप अपने दोस्तों के साथ इस स्कीम को आएँ, दिन की रोशनी में विज़िट करें, फैसल ज्यूल को आते या जाते हुए विज़िट करें, रूट स्कूल को आप विज़िट करें, फुटबॉल क्रिकेट ग्राउंड को आप विज़िट करें। जिस तरह पाकिस्तान के एक मियारी फुटबॉल क्रिकेट ग्राउंड है, इसी तरह आपकी स्कीम में स्कूल हैं, उसी तरह इधर पार्क है, उसी तरह हॉस्पिटल है, उसी तरह क्रिकेट ग्राउंड फुटबॉल ग्राउंड है। और इसमें कोई एक या दो क्रिकेट ग्राउंड या फुटबॉल ग्राउंड नहीं है, इसमें कई क्रिकेट ग्राउंड बनेंगे, इसमें कई फुटबॉल ग्राउंड बनेंगे, इसमें कई पार्क बनेंगे। देखें हमारे साथ 7,000 मरगला हिल का रकबा है, इसके बावजूद हमने 200-250 के कई पार्क इसमें बनाए हैं, ताकि लोग अपनी फैमिलियों के साथ इसमें इंजॉय करें। ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से मेरा ये दावा और क्लेम है कि इस्लामाबाद के सेक्टर आप देखें, ये इस्लामाबाद और हमारे दरमियान
5 सेकंड का भी फासला नहीं है। ये मरगला हिल के साथ सीडीए का सेक्टर B-17 है, B-17 में से फैसल हिल में आने के लिए 5 सेकंड की भी टाइम नहीं लगता, ऑनली 5 सेकंड लगते हैं B-17 से फैसल हिल में आने के लिए। आप देख लें तलवार चौक पे देख लें, 5 सेकंड का फासला है। हम जो एग्जेक्टिव ब्लॉक से उधर कनेक्ट कर रहे हैं वो भी 5 सेकंड का फासला है। सीडीए का सेक्टर C-16, C-15, C-14 ये आपसे 2-2 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। लोग 90 किलोमीटर को कहते हैं कि जी 10 मिनट की ड्राइव, हम 3 किलोमीटर, हम 500 फुट की ड्राइव, हम 100 फुट की ड्राइव को 5 सेकंड कहते हैं। तो ये एक फर्क है कि ये एक शहर बन रहा है। जिन लोगों ने आज प्लॉट अपने बीवी बच्चों के लिए ले ले, कल को ये प्लॉट ना करोड़ का मिलना है ना 30-60 का प्लॉट भी इंशाल्लाह 3-4 करोड़ का होगा। 500 गज का प्लॉट इधर 7-8 करोड़ का होगा। तो ये इस तरह की इधर एप्रिसिएशन होगी मार्केट में। तो ये जैसे जैसे वक्त ज़िंदगी में गुजरता जा रहा है चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो मेरी सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि इधर आप लोग सरमायाकारी करें, कंस्ट्रक्शन करें, खुद भी घर बनाएं, अपने दोस्तों को भी बनाएं, ताकि उनके भी बच्चे एक अच्छी जगह पे रहायश जो है इख्तियार कर सकें। तो मैं एंड के ऊपर आप सब लोग इतने जज्बे इतने जोश से आए, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे टेक्सलावा, हरिपुर, इस्लामाबाद, पिंडी सारा उमड़ के आ गया, इतने लोग माशाल्लाह इधर खड़े हुए हैं। तो मैं आप सब के जज्बे की भी आपको दाद देता हूँ, आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और ये जो आर्च जिन्होंने बनाई है, जिसमें इंजीनियर सैफ साहब हैं, मेरे छोटे भाई परवेज साहब हैं, जुहेर साहब हैं, कासम साहब हैं, तो जिन्होंने चौधरी आजम विर्क साहब हैं, जिन्होंने इस आर्च में हिस्सा लिया, हमारे कंसल्टेंट हैं, सबको मैं मुबारकबाद देता हूं कि जो उनकी मेहनत और उनकी कावे से एक ऐसा खूबसूरत शहकार बना। इसमें अगर आप इसके नीचे देखें तो ये सारा हैंडवर्क हुआ है। तो इतना बड़ा एलिमेंट खड़ा करना और इतनी हाइट के ऊपर खड़ी करना, इसके नीचे सारा हैंडवर्क है, तो इतना काम करना कोई आसान नहीं है। तो हमने इसको परमानेंट फिनिश किया है। ये इंशाल्लाह ताला आर्च 100 साल, 200 साल, 500 साल रहेगी और ये हम सब की इंशाल्लाह ताला ये याद जो है ये ताज़ा रखेगी। अल्लाह पाक हम सब को ईमान की और सेहतमंद ईमान पे मबनी सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए, और अल्लाह और उसके नबी के अहकाम के ऊपर हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन सुमा आमीन जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच।